हरे कृष्णा अध्याय चौथा श्लोक नंबर 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसका तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वस्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का छठवां स्कंद के तीसरे अध्याय के 19th में कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब दिव्य ज्ञान और उससे होने वाली मुक्ति, उससे मिलने वाली मुक्ति जो है वो किससे मिलेगा और किससे पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही प्रामाणिक और एक बहुत ही सिंसियर इंक्वायरी से और सेवा भाव एक प्रामाणिक गुरु के तरफ ही होता है। उन्हीं से ये ज्ञान मिलेगा। हमने पिछले श्लोकों में सुना कि कर्तव्य और यज्ञ ये सब करनी चाहिए, तो ये सब किस हिसाब से करनी चाहिए? ज्ञान में करनी चाहिए, इसका ज्ञात होना चाहिए, जैसे हमने पिछले 33rd श्लोक में सुना। तो ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब ये हमें भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। वो कैसे मिलेगा? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, उसके पास बहुत विनीत भाव से होकर जिज्ञासा करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। कैसे? सबमिसिव भाव से, हम्बल वे से, विनम्रता से उनका सेवा करना चाहिए और उनसे ये ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। क्यों? अभी उनसे ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो स्वरूप सिद्धि
व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं, उनको ज्ञान प्रदान हुआ है और वो सत्य का दर्शन कर चुके हैं। सत्य माने परम सत्य कृष्ण, कृष्ण को वो जानते हैं, कृष्ण को वो साक्षात देखे हैं। तो इस संबंध में शीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भागवतम का एक श्लोक है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो स्वयं भगवान ही क्या है, धर्म है, वेद तो भगवान के बनाए हुए कोड्स हैं। तो ये जो धर्म है ये स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था इसी अध्याय में, चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागसह। हे अर्जुन, ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये मैंने ही बनाया है। किस हिसाब से? गुण और कर्म के हिसाब से। ये याद रखिए दोस्तों, जन्म के हिसाब से नहीं बोलते हैं भगवान, गुण और कर्मों के हिसाब से ये चतुर्वर्ण बना है, वर्णाश्रम धर्म बना है। तो जो सत्व गुण में है वो किस कौन है, वो ब्राह्मण है। जो राजसिक गुण में है वो कौन है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मतलब क्षत्रिय कुल। और जिसमें तामसिक और राजसिक दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स मिली हुई है तो वो कौन बनता है, वो बनता है वैश्य, द मर्केंटाइल क्लास। और चौथा जो है वर्कर क्लास, वो है वो जो तामसिक गुण में होता है। तो अपने अपने गुणों के हिसाब से, कर्म के हिसाब से उस वर्ण में वो होते हैं। तो ये गुण और कर्म से निश्चित होता है, जन्म से नहीं। जन्म से कोई कितना भी अच्छे कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, मगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो वो शूद्र ही कहलाएगा। अगर शूद्र कुल में जन्म लेके भी अगर उसने अच्छा कार्य किया और उसके जो ये हैं आचरण हैं बहुत अच्छे हैं तो उसे ब्राह्मण कहलाया जाता है। भगवान यहाँ पे स्वयं ही कहते हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से ये विभाग बनाए गए हैं मेरे ही द्वारा। अब ये सब कौन हमें बताएगा कि भगवान ही सब कुछ है और उन्हीं को खुश करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वो सिर्फ हमें प्रामाणिक गुरु बताएंगे, पाखंडी नहीं, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु जो कि ऐसे ही व्यर्थ में कोई ना कोई चर्चा करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, ऐसे लोग नहीं जो न्यूज़पेपर मैगजीन से बताते हैं, ऐसे नहीं। प्रामाणिक गुरु शास्त्र के ही बारे में बात करते हैं और उसको, उस शास्त्र का कंक्लूजन पूरी तरह से जानते हैं। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति से हमें जाके पूछताछ करनी चाहिए, किस तरह से, झगड़ा या ऐसे चढ़ के नहीं पूछना चाहिए, चलो चलो बताओ हमें, ऐसे नहीं, एकदम हम्बल विनम्रता से, सबमिसिवली। भगवान ने क्या कहा है, विनीत होकर पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए। और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे ही जाके किसी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु की क्वालिफिकेशन होती है, गुरु को कैसे पहचाना जाए। अब पहला चीज़, गुरु जो है वो परतत्व को जानते हैं, माने भगवान को जानते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। किस से? गुरु परंपरा से, जो चार संप्रदाय हमने सुने थे। अब लीजिए आप अगर सोचिए कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय आप सोचिए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने व्यास मुनि को बताया, व्यास मुनि ने मध्वाचार्य को बताया, ऐसे करके ये नीचे ये ज्ञान आया। तो वैसे ही वो गुरु उसी हिसाब से उसको बोलना होगा, शास्त्र के हिसाब से, उसके गुरु परंपरा के हिसाब से, ना कि उसका मनमर्जी वो ही अपना कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं। वो शास्त्र के हिसाब से, साधु के हिसाब से, अपने गुरु परंपरा के हिसाब से बोल रहा है, ये हमें देखना है। प्रामाणिक गुरु ऐसे पहचाना जाते हैं। और दूसरी चीज़, गुरु को जो शास्त्र का कंक्लूजन है, शास्त्र मूलतः क्या बता रही है, ये अध्ययन पूर्वक उनको पता है, वही और हमें उसे समझा रहे हैं। क्या
भक्ति में तल्लीन होना, भगवान कृष्ण के दिव्य सेवामयी भक्ति में तल्लीन होना, यही शास्त्र का उपदेश है और यही वो हमें दे रहे हैं, इसकी हमें पुष्टि करनी होगी। और तीसरी चीज़, जो गुरु है उसको शास्त्र के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साक्षात् दैतेन समस्त शास्त्रे, गुरु को पूर्ण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। वो चलता फिरता मोबाइल होना चाहिए शास्त्र का, कहीं क्या उस संदर्भ में उसको पता होना चाहिए। ये है एक गुरु का परिचय। तो जैसे एसेंस क्या है, भगवद गीता में ही 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः, पूरे वेद का जो एसेंस है, सार है, वो मैं हूँ, मुझे जानना है। किसको? कृष्ण को। तो ये हमें देखना है कि वो प्रामाणिक गुरु हमेशा कृष्ण के संबंध में ही बात करता हो, ना कि कुछ और बात करता हो, और उसे परतत्व के बारे में पूर्ण ज्ञान हो कि कृष्ण कौन है। एक बार की बात थी, श्रीला प्रभुपाद ने दो वैदिक स्कॉलर्स जो कि वृंदावन में थे, उन्हें पूछा, क्या आप बता सकते हो कि भगवान कौन है? तो दोनों जो विद्वान स्कॉलर्स थे वैदिक के, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगे और अपने आप को देखने लगे, तो आपस में बात करने लगे और फिर बोले कि बहुत ही कठिन विषय है कि परतत्व कौन है, ये अभी तक पता नहीं चला है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है इसका आंसर देना, उत्तर देना। तो श्रीला प्रभुपाद मुस्कुराते हुए उधर ही पास में से गुरुकुल के एक बच्चे को बुलाए और सेम क्वेश्चन पूछ डाला, बेटा बताओ भगवान कौन है? तो उस बच्चे ने बिना देर लगाते हुए कहा, कृष्ण, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्रीला प्रभुपाद खुश हुए और उस बच्चे के हाथ में मिठाई दे दी गिफ्ट के रूप में। तो बच्चा जो है वो नाचते हुए दूसरे दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, इतनी छोटी से बच्चे को भी पता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और ये जो वैदिक स्कॉलर्स है, विद्वान है, इतने साल से पढ़े हैं इतना वेदों को, तो भी इन्हें पता नहीं है कि वेदों का सार क्या है, ज्ञान क्या है। तो दोस्तों, गुरु जो हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनका आदर सत्कार होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का, और उन्हें मिलकर, उन्हें ढूंढकर पूछना चाहिए कि क्या है परम सत्य, क्या है दिव्य ज्ञान, क्या कौन है भगवान कृष्ण, और हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं, वो हमें कैसे मिल सकते हैं। हमारा जो टूटा हुआ संबंध है भौतिक संसार में आके, जो हम भूल गए हैं मूल संबंध को, वो कैसे स्थापना उसकी हो सकती है, वो कैसे मिल सकते हैं। तो गुरु जो है वो हमेशा भगवत प्राप्ति के बारे में ही और दिव्य ज्ञान अपने शिष्यों को देने में ही बात करेंगे, दूसरी कोई चीज़ नहीं बात करेंगे वो। इसीलिए उन्हें बहुत विनम्रता से उनके पास जाना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए, जो जीवन का असली उद्देश्य है, क्या है? परम सत्य को जानना, परम सत्य को ढूंढना और उसके शरण होना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।